सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता, उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। शिव बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। यह मैंने किसी से भी कभी पढ़ा नहीं। मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई टीचर नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म नहीं लेता, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं। बाबा कहते हैं, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है, 84 जन्म के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 का चक्र का नॉलेज देता हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। तो इसे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहां से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहां से अनुभव लाते हैं? जो तुमको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्म के चक्र में आता नहीं हूं। बाबा कहते हैं, कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नोंद हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना, इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो, ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है? उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिसे जन्म लिया हो, बस समझा हो। तुम सब भाई भाई हो, वो एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है? कितनी नॉलेज वेट बच्चों को सुनाते हैं, कहते हैं 84 जन्म में नहीं लेता हूं, तुम लेते हो, तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते हैं, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ही यह नॉलेज है, मैं तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए ही मुझे ऊंचे ते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते हैं, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? तुमको तो मिली बाप से, बाप में ओरिजिनल नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है। यह वंडर है ना, इसीलिए यह ऊंचे ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। ये ब्रह्मा स्व विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं, इसी को कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नले सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है, वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक आत्मा? एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसीलिए एक आत्मा गिनी जाएगी।
84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरी लेती है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है, इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो यह समझना चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परमधाम में रहने वाली हैं। यहां पाठ बजाने आई है, यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार भेंट सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं किसी से पढ़ा नहीं हूं, यह बात भी शास्त्र में नहीं है, यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तो भक्त, तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नर्ज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। भक्त, शिव बाबा इस ब्रह्मातन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्य ने तो गोपड़े लगाकर सारी सृष्टि की आयु की कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी दुनिया को कहा जाता है नरक। दुनिया तो एक ही है, नई दुनिया में रहते हैं देवी देवताएं, वहां अपार सुख है, सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है, नाम ही है आयरन एजेट वर्ल्ड, जिसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी, ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली। इनको न्यू कैसे कहेंगे, बाप समझाते हैं। बार बार बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, तो क्या बच्चे समझते हैं। नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें यह लक्ष्मीनारायण राज्य करेंगे, उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी जमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहां ही है, राम राज्य की गद्दी भी यहां होगी। नाम दिल्ली नहीं होगा, उसको परिस्थान कहा जाता है। फिर जो जैसा राजा होता है वो अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो, फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। पढ़ाने वाला बाप है, तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयुग सिखाया। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुग की पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया, मैं आता हूं ब्रह्मा तन में। मनुष्य को तो पता ही नहीं है ब्रह्मा कौन सा, सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को क्या कहलाते हो, बीके। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो, जब निराकार आत्माएं हो फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन होगा, और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम इस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि इनमें बंधन है, तुम जानते हो। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल है, वो है कलयुग ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरा ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण यह गीता सुनाते हो, वो भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना। तो बाबा आज धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, कलयुग संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगमयुगी ब्राह्मण समझना है।
सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनने के लिए यह पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा के सब्जेक्ट में नंबर लेना है, इसीलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत से सहन करना, इसमें अंतर है। बातों के कारण सहन नहीं करते हैं, लेकिन बाप की आज्ञा है, सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ, मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो सदा खुशी के खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहनशील आत्मा हूं, मैं सहनशील आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा को, परम सितारा को अपने मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में अनुभव करना है। दिव्य शक्तियां अपने अंदर भरते रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।